हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है, उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ओवर डोज इज ऑल्सो नॉन एज। दोस्तों, जो ओवर डोज होती है और उसे किस नाम से भी जाना जाता है, टू मच डोज, डेंजरस डोज, एक्सेसिव सिंगल डोज या नन ऑफ दीज। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेसिव सिंगल डोज के नाम से भी जाना जाता है ओवरडोज को, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द मेथड टू रिमूव थेरापीटिक इनकम्पेटिबिलिटी इज, डोजिंग एरर्स शुड बी अवॉइडेड, ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, ड्रग्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सनलाइट या पेशेंस कॉम्प्लियंस। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोजिंग एरर्स शुड बी अवॉइडेड, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर कंबाइंड द रिजल्ट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स रिलेटिव टू द डोजेज यूज्ड, दिस इज नॉन एज, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, पोटेंट इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। दोस्तों, उसे कहा जाता है एडिटिव इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द कंडीशन इन विच मोनोमर्स यानी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीमर इज टर्म्ड एज, हाइड्रोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन या चेन रिएक्शन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीमराइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अ कंडीशन इन विच टू और मोर एजेंट्स व्हेन ब्रॉट टुगेदर रिजल्ट्स इन केमिकल डिकम्पोजिशन, फिजिकल डिसोसिएशन एंड थेरापीटिक अपोजिशन इज टर्म्ड एज, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इम्प्योरिटीज, थेरापीटिक कोलिजन या सीग्रीगेशन रिएक्शन। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यानी पोसोलॉजी चैप्टर है, चैप्टर नया है, चैप्टर नंबर 18 है जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से रिलेट रखता है। जो बाकी के एमसीक्यूज हैं वो हम पोसोलॉजी चैप्टर के देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील्स विद द डोजेज और द मेजरमेंट ऑफ डोजेज इज कॉल्ड। दोस्तों, उसे कहा जाता है पोसोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीक वर्ड पोसोस मीन्स, जो ग्रीक वर्ड है पोसोस उसका मतलब क्या होता है, हाउ मैनी डोजेज, हाउ मच या सिंगल डोज। दोस्तों, उसका मतलब होता है हाउ मच, यानी कितना, जो पोसोस है उसका मतलब क्या होता है, हाउ मच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एन एडल्ट रफली बेस ब्लैंक दे रखा है पाउंड्स 150, 180, 160 या 185। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी 150 पाउंड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डोज, एज, वेट, सरफेस एरिया या टॉलरेंस। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस एरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सम मेडिकेशंस सो डिक्रीज थेरापीटिक एफिशिएंसी ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूजेज, ड्यू टू दिस द पेशेंट्स ऑन लॉन्ग टर्म थेरेपी रिक्वायर इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डोज फॉर गेटिंग द सेम थेरापीटिक एफिशिएंसी, दिस कंडीशन इज नॉन एज, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एक्यूमुलेशन या टॉलरेंस। दोस्तों, उस कंडीशन को कहा जाता है टॉलरेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉप 10 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।